से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार मत करना, यह मेरी सलाह है। चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखते हैं। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। क्यों रोते हो आप उस इंसान को खोने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। कभी कभी इंसान जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा होते हैं जहां उसे सिर्फ इंतजार मौत का होता है। हम वो किस्ती है जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम सभी के हो गए लेकिन कोई हमारा ना हुआ। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। खुदा से मौत मांग लेना, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। जिंदगी में तो समस्या तो हर दिन नई खड़ी है और इसे वही लोग जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। जो गिरकर संभल जाता है असल में वह जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ में आती है। पैरों में अगर जान हो तो मंजिल दूर नहीं, और दिल में अगर स्थान हो तो अपने दूर नहीं। कीमती है सिक्के और इंसान सस्ते हैं, यहाँ रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। लाइफ में कौन आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन साथ रहता है ये इम्पोर्टेंट है। खेल चाहे कितने ही बदल लो, लक्ष्य केवल विजय पर ही होना चाहिए। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी है। कम बोलने वाले सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जिसे छत पर चढ़ जा तो अपना ही मकान नहीं दिखता। संस्कारों से बड़ी कोई वैसियत नहीं होती, और ईमानदारों से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान देना पड़ता है। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाव देती है, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती है। किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब ना कर। जो लोग साथ रहकर सवार ना सके वो हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लोग यह तो जानते हैं कि वह कैसा है यह कैसा है, लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि वह खुद कैसा है। आप अपने नियत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। अगर आप आज में खुश रहना चाहते हो तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। सफलता की शुरुआत तब हो जाती है जब आप उसके लिए कार्य करने लग जाते हैं। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएंगे उठाने। तुम जरा उड़ के तो देखो, सब आएंगे गिराने। खुद को इतना काबिल बना लो कि उसको एहसास नहीं पछतावा होना चाहिए। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत कुछ है पर करते कुछ भी नहीं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। नहीं था, जिंदगी में ऐसे भी फंसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे। रिश्तों की दलदल से मैं जब भी बाहर आया, हर साजिश के पीछे किसी न किसी अपने को ही पाया। बेरंग सी है जिंदगी, रंग तुम्हें ही भरने होंगे, सपने तुम्हारे हैं, पूरे तुम्हें ही करने होंगे। हालात सिखा देते हैं सुनना और सहना, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होते हैं। सब कुछ मिला है फिर भी सवर नहीं, वर्षों की सोचते हैं कल की खबर नहीं। कोई नहीं है दुश्मन अपना, फिर भी परेशान हूँ मैं। अपने ही क्यों दे रहे हैं जख्म, इस बात से हैरान हूँ मैं। जो भूल गया है उसे भुला देते हैं, चलो इस तस्वीर को चूम कर जला देते हैं। चेहरे पे मुस्कान और दिल में जहर, यही है आज की दुनिया का कहर। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते।
आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने आते हैं। वक्त ने फंसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं, हालातों से हार जाऊँ वो इंसान नहीं हूँ मैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए। आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती उनकी बदनामी शुरू की जाती है। कैसा नादान है हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फ़ायदा यह हुआ साहब मैं तैरना सीख गया। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कराएगा, सब रख ए दोस्त वक्त अपना भी आएगा। दुनिया का वसूल है जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है। किसी के लिए इतना भी मत गिरो कि दूसरा कुचल कर चला जाए। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता दुनिया का परिचय हमसे कराती है। जो व्यक्ति हजारों ठोकर खाने के लिए तैयार है वह एक महान व्यक्ति बनने के लिए भी तैयार है। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, वही यही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। पैरों में मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सपना जितना बड़ा होगा तकलीफ भी उतनी ही बड़ी होगी। बातें नहीं काम बड़े करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम दिखाई ज़्यादा देते हैं। अच्छे लोग अच्छी किताब की भांति होते हैं, जिन्हें समझने के लिए पढ़ना पड़ता है। परेशानी से जो अनुभव को सीख मिलती है वह सीख दुनिया को कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। बहुत दूर तक जाना पड़ा सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या चाहो तो सोने में गुजार दो। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वह यकीनन खत्म हो जाती है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। बुरा करने के विचार आए तो कर पे टालो और अच्छा करने के विचार आए तो आज ही कर डालो। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। दूसरा का बुरा वक्त पे हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वह हर दिशा से वार करता है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। जिंदगी के बाजार में हम इंसान रोज बिकते हैं। अपने हौसलों को बढ़ावा देने थोड़ी बहुत शायरी लिखते हैं। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की, माफ़ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं। सफलता कभी भी अचानक नहीं मिलती, एक एक सीढ़ी चढ़कर ही आप ऊंचाई को छू सकते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जलील ना क्या करो किसी फकीर की ए दोस्त, वो भीख लेने नहीं तुम्हें दुआएं देने आते हैं। प्रकता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, तंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। डर डर भटकती रही पर डर नहीं मिला, उस माँ के चार बेटे पर रहने को घर नहीं मिला। ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो। समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। अपना जमीर बेचकर अमीर हो जाने से अच्छा है कि फकीर बन के मर जाना। दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर ही वार करता है। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है यह वक्त बताता है। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। बड़ा बनो पर उनके सामने नहीं जिसने तुम्हें जन्म दिया है। दया होनी चाहिए कमजोरी नहीं, दया होनी चाहिए कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए अहंकार नहीं।